भारत के सुप्रसिद्ध मंदिरों में से एक है कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी से करीब 8 से 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। देवी के 52 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या एक प्रमुख और सबसे पुराना शक्तिपीठ है। मां भगवती के योनि रूप का ये अनूठा मंदिर पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु माना जाता है। मान्यता है कि राजा दक्ष ने एक यज्ञ के दौरान अपनी पुत्री सती के पति शंकर को अपमानित किया, जिससे सती ने दुखी होकर उसी यज्ञ में आत्मदहन कर लिया। जब भगवान शंकर ने सती की मृत देह को देखा तो वो क्रोध से तिल मिला उठे और अपनी पत्नी की मृत देह को उठाकर संहारक नृत्य करने लगे। भगवान शिव के संहारक रूप से सभी देवी देवता भयभीत हो उठे। शिव के क्रोध से समस्त ब्रह्मांड को बचाने के लिए तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से एक एक कर मां सती के अंगों को अलग कर दिया। माना जाता है कि इस दौरान सती के शरीर के 52 हिस्से अलग अलग जगहों पर गिरे। इन्हीं अलग अलग हिस्सों को आज देवी के 52 शक्तिपीठों के रूप में जाना जाता है। कहते हैं मां सती का योनि भाग कामाख्या में गिरा, इसीलिए इसे कामाख्या मंदिर का नाम दिया गया। कामाख्या मंदिर का महत्वपूर्ण हिस्सा है गर्भगृह, जो जमीन से लगभग 20 फीट नीचे एक गुफा में स्थित है। गर्भगृह में मां की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि यहां योनि के आकार का एक कुंड है जिसमें जल निकलता रहता है। इस कुंड को योनि कुंड के नाम से जाना जाता है। ये कुंड लाल कपड़े और फूलों से ढका रहता है। ये मंदिर कई बार टूटा और बना है, जिसके चलते इस मंदिर की मूर्तिकला विभिन्न काल की विशिष्ट शैली को दर्शाती है। मंदिर के कुछ हिस्सों में की गई नक्काशी गुप्त काल और ओडिशी कला से प्रेरित है। आखिरी बार ये मंदिर 16वीं शताब्दी में नष्ट किया गया था, जिसे 17वीं सदी में राजा नर नारायण ने फिर से निर्मित करवाया। कामाख्या मंदिर धार्मिक स्थल होने के साथ ही मूर्तिकला को देखने के शौकीन पर्यटकों के लिए भी एक अच्छा भ्रमण स्थल है। तो सोच क्या रहे हैं, निकल चलिए असम की खूबसूरत पहाड़ियों में बसे कामाख्या मंदिर के दर्शन के लिए। Incredible India.